हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, हम आज की इस लेक्चर में न्यू सीरीज लेकर आए हैं। वो भी लेकर आए हैं किरचॉफ्स लॉ के, जो हमारे न्यूमेरिकल होते हैं, जैसे ये लिखा हुआ है, इसमें हमको करंट निकालने रहते हैं। तो इस टाइप के आज हम न्यू सीरीज लेकर आए हैं। इससे पहले हमने फ्रेंड्स कई वीडियो अपलोड कर चुके हैं, मैथ्स की, फिजिक्स की, केमिस्ट्री की, आलमोस्ट चैप्टर कवर किए हैं। यदि आपने अभी तक नहीं देखा तो हमारे आप चैनल के वीडियो में जाकर देख सकते हैं, या हमने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दी, वहाँ जगह देख सकते हैं। तो आज फ्रेंड बात करने वाले हम लोग सर्किट डायग्राम पे। अगर इस टाइप पे अगर आपका आज की बात न्यूमेरिकल आता है तो आप इसको सॉल्व करके आएंगे, मैं गारंटी लेता हूँ। बस आप वीडियो को इंटर देखिए, समझने का प्रयास कीजिए। जैसे यहाँ पर लिखा जाता है, जैसे क्वेश्चन लिखा हमारा कि संलग्न परिपथ में I1 I2 I3 हमको कैलकुलेट करना है। तो देखिए, हर बार की तरह इस बार में भी वीडियो को स्टार्ट करने से पहले कुछ स्टेप बताऊंगा, उन स्टेप को फॉलो करते हुए आप इस टाइप के न्यूमेरिकल कभी भी आते, चाहे जितने हमारे ये रेजिस्टेंस लगे हों या हमारे बैटरी लगी हो, इन सभी को आप आसानी से कैलकुलेट कर लेंगे। बस ये वीडियो को इंटर देखिए और समझने का प्रयास करिए। तो देखिए, हमारे कुछ स्टेप क्या हैं। जैसे आपको इतना ये तो पता ही होगा कि जैसे ये हमारी सेल है एक, ये देखिए हमारी सेल है, तो इसका ये हमारा पॉजिटिव टर्मिनल है, ये हमारा क्या है, निगेटिव टर्मिनल है। तो आपको देखिए इतना ही रिमाइंड करना होगा कि अगर हमारी करंट इससे इधर की ओर जाएगी तो हम साइन लेंगे निगेटिव का। अभी मैं बता रहा हूँ, आपको समझिए। जब देखिए हमारा ये टर्मिनल पॉजिटिव, ये हमारा टर्मिनल निगेटिव है, अगर हम इस साइड की ओर जाएंगे तो देखिए निगेटिव आ रहा है तो निगेटिव ले लेंगे। अगर हमारा, देखिए दोबारा मैं बता रहा हूँ, अगर ये हमारा पॉजिटिव, ये हमारा नेगेटिव है, अगर हमारी करंट जो है इस साइड की ओर जाएगी, और हम जानते हैं कि बड़ा वाला हमारा होता है पॉजिटिव टर्मिनल और छोटा वाला हमारा क्या होता है, नेगेटिव होता है। अगर इस साइड की ओर जाएंगे तो हम ले लेंगे पॉजिटिव वैल्यू हम पॉजिटिव ले लेंगे, अगर इस साइड जाएंगे तो हम नेगेटिव वैल्यू ले लेंगे। आगे चलते हैं और कुछ बात के ऊपर। जैसे अगर आप एज्यूम कर लीजिए कि हमारी करंट जो है अगर इस साइड की ओर फ्लो हो रही, इसमें हमने मान लिया आई करंट इस साइड की ओर हमारी फ्लो हो रही है, तो अगर हम भी इसी डायरेक्शन में जा रहे हैं तो हम वैल्यू ले लेंगे निगेटिव। अगर उसी के डायरेक्शन में जाएंगे वैल्यू, तो हम निगेटिव वैल्यू लेंगे। अभी हम बताएंगे कैलकुलेटर, इससे मैंने एग्जांपल ले लिया। अभी स्टेप समझ लीजिए आप, उसके बाद इस स्टेप को फॉलो करते हुए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए आंसर को लाने का प्रयास करते हैं। तो देखिए, अगर करंट की वैल्यू हम करंट की डायरेक्शन में लेंगे तो वैल्यू निगेटिव लेंगे। अगर हमारी आप अज्यूम कर लीजिए कि हमारी करंट इस साइड की ओर फ्लो हो रही, इसमें हमने करंट मान लिया करंट फ्लो हो रही, और हम अगर इस साइड की ओर जा रहे हैं, इसके अपोजिट जा रहे हैं, अगर अपोजिट जब भी जाएंगे तो हम वैल्यू हमेशा क्या लेंगे, पॉजिटिव लेंगे। इतना आप समझ गए होंगे। बस इन्हीं दो स्टेप को फॉलो करते हुए आप किसी भी क्वेश्चन को आप आसानी से क्लियर जो है वो आप सॉल्व कर सकते हैं। देखिए, ये हमारा बंद पास वन है, इसको हम पास वन बोल देते हैं, ये इसको पास दो बोल देते हैं। उसके बाद देखिए क्या करते हैं। देखिए, हम लोग जो होता है, ये हमने क्या बताया, हम इसकी अगर इसमें हम भी डायरेक्शन ऐसे लेते हैं तो इसमें भी आप अगर जितने भी पास होंगे, जितने पार्ट होंगे, जितने डिब्बे होंगे, सबको देखिए सब में इसी के शेप में लेंगे हम। ये नहीं कि इसमें हम इस टाइप से काउंट कर रहे हैं, इसमें इस टाइप से काउंट कर रहे हैं, बल्कि हमारा इसमें रूल फॉलो होगा किरचॉफ का दूसरा नियम। दूसरा नियम क्या है, देखिए मैं दोबारा बता रहा हूँ कि दूसरा नियम क्या है। किसी बंद पास में लगे विद प्रतिरोध और उनके करंट का जो गुणनफल होता है, उनके संगत विद्युत वाहक बल, ये विद्युत वाहक बल बोले तो E के बीज गणितीय योग के बराबर होता है, और उसका फार्मूला क्या होता है, होता है उसका है सिग्मा आई आर इक्वल टू होता है सिग्मा ई। अब सिग्मा आई आर, सिग्मा बोले तो योग, और आई आर मिस आई ओ आर का गुणनफल, ई मिस उनके ई मिस क्या है, इसका विद्युत वाहक बल, यहाँ पे 5 वोल्ट है, इसके बीजगणितीय योग के बराबर होता है। तो आइए, ये हमारा, इसको हमने वन नाम दे दिया, इसको हमने टू दे दिया। तो आइए हम पहले फर्स्ट इसमें लगाते हैं, इसमें रूल अगर हम इसमें लगा दें तो देखिए, अगर ध्यान से समझिएगा, जैसे मैंने क्या बताया कि अब देखिए हमको क्या कैलकुलेट करना है, कि इसका हमारा रूल क्या था, कि किसी पास बंद पास में लगे प्रतिरोध और उनके संगत प्रतिरोध और उनके धारा के गुणनफल। प्रतिरोध हमारा देखिए 2 ओम है, और यहाँ पे हमारा ओम करंट क्या है, आई है। प्रतिरोध और उनके धारा के गुणनफल का जो मान होता है, वो उनके गुणनफल का मान किसके बराबर होता है, विद्युत वाहक बल के योग के। विद्युत वाहक बल यहाँ पे क्या है, 5 वोल्ट है। तो आइए यहाँ पे अप्लाई कर देते हैं, और बस इन्हीं स्टेप को मैं बता रहा हूँ कैसे अप्लाई करना। देखिए यार आप, तो अगर हम देखें यहाँ, और अगर बात करती, देखिए हमने यहाँ से बैटरी हमारी थी, तो हमेशा मान लीजिए हमारी
करंट जो होती है वो हायर सोर्स से लोअर सोर्स की हो जाती है। अब आप पूछेंगे हायर कौन सा, तो हायर देखिए निगेटिव है, निगेटिव मीन्स अधिकता, पॉजिटिव मीन्स क्या होता है कमी को शो करता है हम लोग का। तो करंट देखिए हमारी इस साइड से फ्लो होगी, देखिए हमारी करंट यहाँ से आई गई, उसके बाद इसमें हम चलेगी आई वन, हमको वैल्यू पता नहीं, हमने इसको नाम दे दिया आई वन, और फिर हमें चलेगी आई टू, उसके बाद देखिए ये यहाँ से आई, उसके बाद ये भी यहाँ आएगी, तो दोनों अगर यहाँ पे मिल जाएंगे ना तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आई वन प्लस आई टू। अगर ये देखिए यहाँ से आई वन आ गई और यहाँ से ये हमारी आई टू यहाँ पे आएगी, तो टोटल यहाँ पे क्या आ जाएगी आई वन प्लस आई टू। हाँ अब चलते हैं, अब यहाँ पे हम लगा देते हैं रूल पास वन में, ये पास वन है मान लीजिए, इसको वन मान लेते हैं, पास वन में अगर हम रूल लगा देंगे किरचॉफ के द्वितीय नियम से, मैंने द्वितीय नियम हमारा क्या, सिग्मा आई आर इक्वल टू सिग्मा ई, मीन्स करंट और रेजिस्टेंस का गुणनफल जो होता है वो हमारे विद्युत वाहक बल के योग के बीज गणितीय योग के बराबर होता है, मीन्स अगर वैल्यू निगेटिव तो निगेटिव लेंगे और पॉजिटिव होगी तो पॉजिटिव ले लेंगे। तो आइए यहाँ पर लगा देते हैं, जैसे अगर हम यहाँ से स्टार्ट करें तो ये देखिए प्रतिरोध और करंट का गुणनफल करना, देखिए आई यहाँ से फ्लो हुई तो यहाँ आई है इसमें है ना, तो देखिए क्या कर ले लेंगे इसमें, इसमें अगर ले लेंगे तो ये देखिए आई वन और टू हो गया, मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ से टू इंटू आई वन, ये यहाँ आ गया ना, तो टू इंटू आई वन, उसके बाद देखिए अब ये यहाँ, अब इसमें देखिए करंट हमारी ये फ्लो हो रही, ये हमारी करंट हो, ये हमारा क्या है रेजिस्टेंस, इन दोनों का गुणनफल देखिए हमारा ये लिखना है यहाँ पे आई इंटू आर, क्या है आई है करंट, आई है करंट और आर क्या है रेजिस्टेंस, तो आई के यहाँ पे क्या है देखिए लिख लीजिए यहाँ पे। और ये भी आपको ध्यान देना कि देखिए हम करंट की डायरेक्शन में ही जा रहे हैं, क्या जा रहे हैं करंट की, देखिए करंट ये जा रहा है तो हम भी देखिए इसी डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो हम भी इसी डायरेक्शन में जा रहे हैं और करंट भी इसी डायरेक्शन में जा रहा है, तो ये देखिए अगर हम भी इसी डायरेक्शन में, हम भी देखिए हम भी इसी डायरेक्शन में जा रहे हैं और हमारे करंट भी इसी डायरेक्शन में जा रहा है, तो वैल्यू हम ले लेंगे निगेटिव, ये देखिए मतलब कहने वाला ये था। उसके बाद देखिए हमने ये ऐसे घूमा, इसके बाद हम ये आ गए, तो ये देखिए हमारी करंट भी इसी डायरेक्शन में जा रही है और हम भी इसी डायरेक्शन जा रहे हैं, मीन्स हमारा ये स्टेप फॉलो हो रहा है, करंट ये जा रहा है और हम भी इसी डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो वैल्यू लेंगे निगेटिव। आई होप कि आप सब समझ गए होंगे आई वन प्लस आई टू, अभी मैं दोबारा बता दूंगा आप समझने का प्रयास करिए। उसके बाद देखिए इधर से आए, अब ये देखिए, अब बात आती है ये देखिए हमारा ये सिस्टम यहाँ पे अप्लाई होगी, मैंने जो बता दिया है, अब देखिए हम इधर से इधर जा रहे हैं, मीन्स निगेटिव टू पॉजिटिव जा रहे हैं, तो देखिए निगेटिव टू पॉजिटिव कहाँ गया था, ये देखिए इसमें हमने ये देखिए ये निगेटिव था, अब निगेटिव से पॉजिटिव को जा रहे थे, तो जो हमारा इधर जो हम निकलते हैं जैसे हम इधर की ओर गए थे, तो इधर की ओर गए तो हमारा ये कौन सा था, छोटा वाला था, छोटा वाला क्या होता निगेटिव, तो हम साइन, हमको साइन लेना निगेटिव। अगर जैसे इधर बाहर की ओर जा रहे हैं तो ये हमारा साइन क्या है पॉजिटिव, तो पॉजिटिव ले लेंगे। तो इसी तरह अगर हम इधर से ये गए थे, अब हम इधर गए, तो ये हमारा क्या साइन निकला पॉजिटिव, तो हम यहाँ पर वैल्यू ले लेंगे पॉजिटिव ले लेंगे। तो देखिए हमने यहाँ पे इस साइड को जाएंगे तो हमारे ये क्या होगा पॉजिटिव, तो हम यहाँ पे वैल्यू पॉजिटिव ले लेंगे, तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा नहीं तो हाँ बीज गणित योग, तो इसका वैल्यू हमारी जो है वो हमारी ये पॉजिटिव आ जाएगी ना, ये इधर जाएंगे पॉजिटिव आ जाएगी, तो यहाँ पे हम लगा देंगे प्लस का फाइव इक्वल टू जीरो। आइए मैं दोबारा भी एक्सप्लेन कर दूँ एक बार, देखिए हम इस साइड की ओर गए, जब हम इस साइड से जाएंगे तो देखिए यहाँ पे घूमे, अब हमारा ये रेजिस्टेंस मिल गया, एक रेजिस्टेंस मिल गया, इसमें हमें करंट क्या फ्लो हो रही, ये हमारी आई फ्लो हो रही, हम भी देखिए इसी डायरेक्शन में जा रहे हो, हमारी करंट भी इसी डायरेक्शन में जा रही, अगर हम भी इसी डायरेक्शन में जा रहे हो, हमारी करंट भी इसी डायरेक्शन में जा रही है, तो वैल्यू हम लेंगे निगेटिव। तो इसलिए हम जानते हैं इसका रूल क्या होता है, आई इंटू आर होता है, तो देखिए टू इंटू आई वन, इसलिए वैल्यू निगेटिव ले लिया। उसके बाद देखिए हम इस साइड की ओर इधर की ओर गए, देखिए करंट भी इसी डायरेक्शन में जा रही है और हम भी इसी डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो इन दोनों का जो गुणनफल होगा वो हम निगेटिव लेंगे, अगर हम डायरेक्शन में जाएंगे तो वैल्यू हम निगेटिव ले लेंगे, देखिए डायरेक्शन निगेटिव ले लिया। उसके बाद देखिए अब इसमें विद्युत वाहक बल ये इसको सेल मान लीजिए, अब सेल क्यों, अब इधर से इधर क्यों जा रहे हैं, तो जो हम निकलते हैं जो वो होता है वैल्यू वो ले लेते हैं, तो हम देखिए इधर से और गए तो हमारी वैल्यू ये बड़ी क्या है पॉजिटिव है, अगर इधर देखिए देखा इधर से और जा रहे हैं तो ये हमको मिला बड़ा, तो हमने पॉजिटिव वैल्यू ले लेगा, अगर इधर से जाएंगे तो हमारा निगेटिव वैल्यू ने निगेटिव ले लेता, इसलिए हमने इधर के बाहर की ओर गए तो बाहर हमारा क्या था पॉजिटिव, इसलिए हमने पॉजिटिव का फाइव ले लिया। अब अगर हम बंद पास दो में इसी तरह ये रूल अप्लाई कर देते हैं, अगर हम पास दो में
अप्लाई कर दें यह रूल। तो देखिए आप अगर हम इसमें इसी डायरेक्शन से क्लॉक वाइज, ये हमारे क्लॉक वाइज मानेंगे तो इसमें भी हम क्लॉक वाइज मानेंगे, इसमें मल्टी क्लॉक वाइज नहीं मान सकते। दोनों में जो हमको मानना डायरेक्शन वो हमको इसमें भी वही मानना है। तो आइए हम इसमें भी अप्लाई कर सकते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे आए तो हमारा ये क्या हो गया, सिक्स हो गया इंटू आई टू हो गया, लेकिन डायरेक्शन में जाएँ तो वैल्यू लेंगे नेगेटिव में। आई होप कि आप सब समझ रहे होंगे। देखिए आप इससे जाएंगे तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो ये देखिए ये यहाँ से आए, उसके बाद अब देखिए यहाँ बात आती है। देखिए ये जा रहे हैं ना, अब देखिए इसमें अब ये गए तो इसमें देखिए करंट हमारी अपोजिट आ रही है। देखिए हम इस साइड की ओर जा रहे हैं, ये देखिए अगर इधर जाएंगे तो करंट हमारी क्या आ रही, इस साइड की ओर जा रही है, मतलब हमारे वो अपोजिट जा रही। तो जो इसका ऐसा गुणनफल जो होगा वो हम क्या लेंगे, पॉजिटिव ले लेंगे। हम यही तो बोल रहे थे कि अगर हमारे अपोजिट आएंगे तो हम वैल्यू पॉजिटिव ले लेंगे। तो यहाँ पॉजिटिव का हो जाएगा टू इंटू आई वन। अब यहाँ पे हमारा कोई सेल है नहीं, जिससे यहाँ पे हम घूमे तो सेल मिल गया था, लेकिन यहाँ पे कोई सेल नहीं, तो बस इसको हम बराबर में लिख देंगे जीरो। आइए अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए पहले हम आइए हम पहले आई की वैल्यू निकाल दें कि करंट जो है कैसे में कैसे फ्लो होता है। यहाँ पे हम साइड में लगा लें जिससे आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, इसी वजह समझ में आ जाए। तो देखिए पहले हम आई की वैल्यू निकाल लेते हैं, पहले हम कि आई की वैल्यू हम किस टाइप से निकालेंगे। तो देखिए देखिए ये हमारे 2 ओम और 6 ओम हमारे क्या हैं, पैरेलल में है। ये 2 ओम है और ये 6 ओम है, ये हमारे पैरेलल में है। तो इनका फार्मूला अप्लाई कर देंगे, 1 बाय पैरेलल में होते तो हम लोग फार्मूला क्या लगाते, 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2। तो 1 अपॉन 2 प्लस 1 अपॉन 6 हो गया। तो यहाँ पे जब इसका एलसीएम ले लेंगे तो आ जाएगा हमारा 2 बाई 3। ये हमारी वैल्यू आई थी 1 अपॉन R की, तो R की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी 3 बाई 2 आ जाएगी। मीन्स इसको अगर और सिंप्लीफाई करें तो 1.5 ओम आ जाएगा। अब देखिए इसको हम कैलकुलेट कर लेते, हमारा 1.5 ओम यहाँ पे हमारा आ गया, 1.5 ओम यहाँ पे आ गया और ये 1, अभी दोनों हमारे सीरीज में हो गए। अब देखिए इसको हमने सॉल्व किया तो हमारा क्या 1.5 ओम आ गया, 1.5 ओम और 1 हमारे क्या है सीरीज में है, और सीरीज में होते हैं तो हम लोग क्या जानते हैं फार्मूला हमारा लगता है R1 प्लस R2। तो देखिए हम 1 और यहाँ इसको सॉल्व करने का हमारा क्या 1.5 आया, तो दोनों को ऐड कर दें हम, 1.5 प्लस 1 तो हमारा ये आ जाएगा 2.5 ओम। अतः परिपथ में हमको ये देखिए आई की वैल्यू हम लोग फार्मूला जानते हैं वी बराबर आई आर, हमारे ओमला होता है। तो यहाँ से अगर हम आई की वैल्यू निकालेंगे तो क्या आएगा, आई की वैल्यू हमारा आ जाएगा वी अपान आर। और आपको ये रिमेंबर करना होगा कि वी ही जो होता है वो हमारे ई के इक्वल होता है। वी जो हमारा जो वोल्टेज है, देखिए वोल्टेज ही एक ही है और विद्युत वाहक बल जो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है वो ई से इसको डिनोट करते हैं, ई से क्या करते हैं इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स डिनोट करते हैं। तो जो ई जो है वो वी के बराबर होता है, तो इसलिए इसको हम लिख सकते हैं आई बराबर वी बराबर आर है, वो तो जानते हैं। उसके बाद वी बराबर इक्वल होता है ई के और अपान में लिख दिया हमने आर। अब उसके बाद देखिए अब यहाँ पे वैल्यू पुट कर देते हैं हम। देखिए ई की वैल्यू क्या दिया, ई की मीन्स विद्युत वाहक बल, ई क्या बोलते हैं विद्युत वाहक बल है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। ई की वैल्यू यहाँ पे क्या देता है 5 दिया था, तो हमने 5 लिख दिया और अपान में आर, देखिए आर हमने निकाल लिया, यह टोटल हमारा क्या आ चुका 2.5। तो देखिए पॉइंट हमने हटा दिया, 0 पर लगा दिए तो 25 × 50 मीन्स जो हमारी ये वैल्यू आ गई है वो आई की वैल्यू क्या आ चुकी है 2 एम्पियर। मीन्स देखिए ये देखिए हमारी आई की वैल्यू यहाँ फ्लो हो रही थी ये हमारी 2 एम्पियर आ चुकी है। और जो हम लोग ये जानते हैं हम लोग यहाँ पे कि जो आई की वैल्यू होगी वो हमेशा इक्वल होती है I1 प्लस I2 के। जो हमारी ये देखिए जो हमारे यहाँ से आई की वैल्यू आई है, यहाँ से हमारी I1 यहाँ से I2 आई, दोनों मिलके यहाँ से फिर ओके आई हो गई। जो हमारी आई की वैल्यू इक्वल होती है वो हमारी I1 प्लस I2 इक्वल होती है। तो आई की वैल्यू हमारी क्या आई है, आई की वैल्यू हमारी आई है 2 एम्पियर। मीन्स देखिए तो यहाँ पे 2 पुट कर देंगे, 2 बराबर I1 प्लस I2। तो ये देखिए I1 प्लस I2 की वैल्यू क्या आ चुकी है 2 आ चुकी है। तो आइए I1 प्लस I2 के प्लेस पर हम 2 पुट कर देते हैं और उसको सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे पुट कर लेते हैं इसको हम, यहाँ पे हम तो यहाँ पे लिखा है माइनस का हो जाएगा हमारा 2I1 माइनस का 1 इंटू I1 प्लस I2 वैल्यू हमारी आ चुकी है 2 और प्लस का 5, ये देखिए प्लस का 5 बराबर 0। आइए इसको सॉल्व कर लेते हैं, माइनस का 2I1 माइनस का 2 प्लस का 5 बराबर 0। तो माइनस का 2I1 5 2 जाएगा, ये हमारे I1 है
5 से 2 जाएगा तो हो जाएगा प्लस का 3 बराबर 0, तो 2i1 बराबर 3 हो जाएगा। तो यहाँ से हमारी i1 की वैल्यू आ जाएगी 3/2, 3/2 इसको डिवाइड कर लेंगे तो हमारा ये आ जाएगा 1.5 एम्पियर। अब देखिए हमारी i1 की वैल्यू आ चुकी है, आइए चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। तो हमने नेक्स्ट पेज पे लिख लिया है हमारी i1 की वैल्यू आ चुकी है 1.5 एम्पियर। अब हमारी हम सेकंड जो हमने इक्वेशन माना था उसको हम इक्वेशन यहाँ पर लिख लेते हैं देखकर हम। तो हमारी ये देखिए यहाँ से हमारी i1 की वैल्यू आ चुकी है। अब जो हमारी ये सेकंड इसको ये जो हमें सेकंड इक्वेशन थी इसमें जो है हम लोग i1 की वैल्यू पुट करके i2 की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो आइए हम इस इक्वेशन को उस पेज पे लिख लेते हैं। तो ये देखिए हमने जो दूसरी इक्वेशन लिखी थी हमने इस पेज पे लिख लिया, इसमें हम i1 की वैल्यू पुट कर देंगे तो i2 की वैल्यू निकल आएगी, बस हमारा यही क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो माइनस का 6 × में i2 प्लस का 2 i1 की वैल्यू हमारी निकाल लिया है 1.5 बराबर 0। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं, माइनस का 6 i2 प्लस 1.5 इसका 3 आ जाएगा बराबर 0। अब यहाँ से अगर हम इसको सॉल्व कर लें तो 3 तो i2 की वैल्यू आ जाएगी 3/6, इसको सॉल्व कर लेंगे 1/2 तो आ जाएगी 0.5 एम्पियर। तो देखिए हमारी i की वैल्यू आ चुकी है 2 एम्पियर, i1 की वैल्यू ये देखिए हमारी आ चुकी है 1.5 एम्पियर और i2 की वैल्यू हमारी आ चुकी है 0.5 एम्पियर। तो अगर आपको फ्रेंड्स ये वीडियो थोड़ी सी हेल्पफुल लगी हो तो अपने दोस्तों तक जरूर शेयर कीजिए ताकि वो भी इस कॉन्सेप्ट को समझ सकें। थैंक सो मच।